हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट सिक्स वीडियो ऑफ चैप्टर वन शेप्स एंड एंगल। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू डिटरमाइन द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एंगल्स और हाउ टू कोरिलेट बिटवीन एनी टू एंगल्स बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया है कि सपोज वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ अ राइट एंगल, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ सिंपली जितना हमें फ्रैक्शन दिया है उतना लिखे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 90 डिग्री होती है। तो हाफ इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहाँ हमने क्या किया, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया राइट एंगल एंड 45 डिग्री के बीच में, कि आप कैसे राइट एंगल और 45 डिग्री के बीच में रिलेशन सेटअप कर सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ राइट एंगल, तो 90 डिग्री। सो द रिजल्ट कम्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट एंगल एंड 30 डिग्री में एक रिलेशन सेटअप कर दिया है। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 90 विच इज 180। तो यहाँ पे भी हमने राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल के बीच में रिलेशन फॉर्म किया। सो अगर व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 टू अ राइट एंगल देन इट विल कम टू स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यू कैन सी हाफ इंटू मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ हमने स्ट्रेट और फिर राइट एंगल को अगेन एक तरह से को रिलेट किया है। देन 1/3 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, सो हम लोग 1/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो 1/3 एंड देन स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, देन रिजल्ट सम टू 60 डिग्री। तो यहाँ हमने स्ट्रेट एंगल और 60 डिग्री के बीच में रिलेशन सेटअप किया। देन 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 180 विच कम्स टू 45 डिग्री। तो हमने स्ट्रेट एंगल और 45 डिग्री के बीच में रिलेशन सेटअप किया। तो इस तरह से हम लोग बाकी एंगल्स के बीच में रिलेशन को आपस में उनको कोरिलेट कर सकते हैं। एंड एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एनी एंगल। ओके, सो थैंक यू।